हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोग पहले समझ चुके हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम ये बताए थे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, टू, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास दे रखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब जीरोस क्या होते हैं, तो ये भी हम बताए थे कि अगर कोई हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, अगर लीनियर है तो उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वन, तो उसके पास जीरोस भी वन होगा। क्वाड्रेटिक है तो उसके पास जीरोस कितने होंगे, टू होंगे, क्योंकि डिग्री टू है इसीलिए यहाँ पे जीरोस भी टू होंगे। तो वो जीरोस क्या होते हैं, यानी कि वो वैल्यू होते हैं एक्स के जिस पे ये क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं, तो क्लास एट में हम लोग एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हुए हैं, यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरो फाइंड करने के लिए एक क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो उसके बेस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं। तो चलो जीरो निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म दे रखा है, जैसे सी दे रखा है ना। अब एक चीज़ और, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मतलब हम लोग को 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, सेवन एक्स दिया हुआ है, यानी 12 को इस तरीके से ब्रेक करें कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो अगर नहीं पता है तो सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, हम लोग 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 12 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 सिक्स जा, अगर 2 और 6 हम लेते हैं तो 2 सिक्स जा 12 तो आ रहा है, 2 इंटू 6 करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन 2 प्लस 6 करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आ जा रहा है, लेकिन प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारे पास 8 आ रहा है, क्योंकि हम अगर 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो और इसको आगे ले चलते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2 2 जा क्या होता है, 4, अब 4 3 जा 12 होता है, यानी कि अगर 2 हम लोग क्या करें, 4 इंटू 3 करें तो हमारे पास मिल जाएगा 12, अब 4 प्लस 3 करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 7, यानी कि वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 और 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर 7x को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, ठीक है, और 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो फाइंड करना है तो इसीलिए हम पॉलिनोमियल को जीरो कर सकते हैं। अब क्या है, अब हम लोग इसमें से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको लेंगे, ये और ये एक टर्म है, इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन है उसको हम लोग ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे भी x दिया हुआ है, यहाँ पे भी x दिया है, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, तो यहाँ पे 2x था, x का पावर 2 था, तो एक x अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो 3 ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों कॉमन दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे x प्लस 4 को, और जो बच गया उसको लिख लेंगे। तो इधर x दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 करें,
तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस फोर, जो कि यही अल्फ़ा होता है, ठीक है, एक जीरोज मिल गया, वन जीरो। इसी तरीके से इधर देख लेंगे, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री, जो कि यही क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा बीटा मिल गया, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग अल्फ़ा बीटा ले लिए। अब रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन देखने के लिए हमको क्या करना है, एक बार क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे। अल्फ़ा बीटा को अगर ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या दिया था, माइनस फोर, तो यहाँ माइनस फोर लो। बीटा क्या दिया था, माइनस थ्री, तो प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, सेवन, लेकिन ये क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ हो जाएगा माइनस सेवन। ए की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं दिया है तो वन हो जाएगा, तो यहाँ वन हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो माइनस फोर ये प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सेवन, तो माइनस सेवन इक्वल टू माइनस सेवन। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो भी हम लोग अल्फ़ा बीटा निकाले हैं, अगर उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, ए की वैल्यू वन था, बी की वैल्यू सेवन और सी की वैल्यू ट्वेल्व था, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या दे रखा था, माइनस फोर, अब बीटा दे रखा था माइनस थ्री। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस फोर, और बीटा क्या दे रखा है, माइनस थ्री। ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो सी बाई ए के। तो सी हमारा क्या दे रखा है, ट्वेल्व, और ए क्या दे रखा है, वन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस फोर और माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व, यानी कि ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल लेके उसके बीच में हम लोग रिलेशन दिखा सकते हैं जीरो के बेस पे, ठीक है। तो पहले हम लोग ए बी सी डी निकाल लिए, फिर अल्फ़ा बीटा निकाल लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।